वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार। इस लेसन में हम लोग जो बच गया था पिछले लेसन में जो क्लासिफिकेशन किया रखे उसको हम लोग इस लेसन में देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्हें टेंथ तक यही पढ़ाया जाता है कि जो पैरेलल नहीं है वो इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, पर ऐसा भी होता है कि वो पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करे। और आपने 11th 12th में काफ़ी पढ़ा होगा ये लाइन, और एक लाइन पेपर पे है और एक लाइन इसके नीचे चला जाए जो दो अलग अलग प्लेन में हो। हाँ, दो लाइन अगर प्लेन में है तो या तो वो पैरेलल रहेंगे या इंटरसेक्टिंग, पर हमें अगर एक से ज़्यादा प्लेन दिया जाए, हमारा दुनिया 3D है, उसमें ऐसे लाइन हो सकते हैं जो नाइदर पैरेलल हो नॉट इंटरसेक्टिंग हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बच्चों को तो ये पढ़ ही नहीं पड़ता। तो कई ऐसे लाइन्स हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता वीडियो में, बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैथ की चीज़ें आपने पढ़ा होगा, 3D मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लाइन्स भी होते हैं जो पैरेलल ना होते हुए भी इंटरसेक्टिंग भी ना हो। तो देखिए प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें प्योर रोलिंग तो संभव ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आपका फ्रिक्शन आएगा। रोलिंग इज पॉसिबल, तो रोलिंग हो सकता है बट क्या होगा, प्योर रोलिंग नहीं हो सकता। तो रोलिंग में क्या होगा, रोटेशन भी होगा और पार्शियल स्लाइडिंग भी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होने वाला है, कुछ स्लाइडिंग भी होने वाली है और कुछ भाई रोटेशन तो होगा ही, स्लाइडिंग भी साथ साथ होने की संभावना है। देखिए ऐसे गियर्स होते हैं, ऐसे लाइन, इसको भी अगर आपको देखना है भाई, ये कर्व है और इस कर्व पे हम लोग ये भी लाइन है जो है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें नहीं है, कर्व बन जाएगा ना, कर्व सरफेस ही, ये पूरा कर्व ही है, पूरा ऊपर नीचे से तैरना है, पूरा ही कर्व है ना, इस पर ये लाइनें हैं तो ये लाइनें भी कर्व बन जाएगी। तो आप इसको वीडियो में देखिए, चलता हुआ जब आप इस गियर को देखिए तब आपकी फीलिंग हो पाएगी कि क्या है वो। तो मैं भाई वो चीज़ें बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बाकी अगर आपको व्यू अच्छा क्रिएट करना है तो आप इसको चलता हुआ गियर देखिए, गियर का नाम रखिए, सर्च मारिए, तुरंत मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे आपका वीडियो इसका, और उसको देखिए कैसा गियर चल रहा है। तो देखिए तो ये हमको कैसे है, ये जो रहता है हाइपरबोलाइड रहता है ये कर्व जो है, और ये जो लाइन होती है जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट नहीं होता, स्क्रू लाइन होती है, और ये स्क्रू लाइन ही जनरेटिंग लाइन है। अगर माई जनरेटिंग लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, और जनरेटिंग लाइन से मतलब क्या, जनरेटिंग लाइन एक्चुअली उसको मिला के हम इसको जनरेट कर सकें, वो जनरेटिंग लाइनें कहलाती है। ये पूछा जाता रहा है इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ये जो स्क्रू लाइन है इसका जनरेटिंग लाइन क्या होगा, तो वो स्क्रू लाइन है इसका जनरेटिंग लाइन है। देखिए और भी देखते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल है स्पायरल गियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इतना पूछा जाता है कि मत पूछो। अब आप अगर आपने नाम भूल गए तो इसके बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, और नाम याद है तो वो कुछ भी पूछ ले बता ही देंगे, अपना दिमाग लगा कर बता देंगे और बता देंगे। तो क्या है स्पायरल गियर, क्या है भाई, ये एक प्रकार का स्क्रू वेवल गियर ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला जानकारी तो ये, तो वहीं से आधा चपटी तो उसका वहीं से कवर हो जाएगा। व्हेन द स्पेस बिटवीन द शाफ्ट इज वेरी लेस, अगर शाफ्ट दो शाफ्ट के बीच बहुत ही कम स्पेस रहे और वहाँ पे आपको कोई गियर लगाना है पावर ट्रांसमिशन करना, तो आप इस गियर को लगाइए। देन सम पोर्शन ऑफ हाइपरबोलाइड इज यूज इन फॉर्म अ स्पायरल गियर, इसको हम लोग हाइपोइड गियर भी कहते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग यूज करें तो वो हाइपोइड गियर में कहलाता है। जब हम लोग क्या करें, जब बहुत कम जगह हो, देन हम सम पोर्शन ऑफ हाइपरबोलाइड इज यूज इन फॉर्म ऑफ स्पायरल गियर, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन यूज कर लेते हैं, वो हाइपरबोलाइड गियर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फिर आ गया है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील क्या होता है, ये भी स्पायरल है, वेरी हाई स्पायरल एंगल इसका होता है और वेरी लेस डाया इसका होता है। ये वॉर्म की बातें कर रहा हूँ, ये वॉर्म व्हील की बातें कर रहा हूँ, वेरी लेस स्पायरल गियर होता है इसका भी, पर वेरी हाई डाया होता है, बहुत बड़ा डाया, इनफिनाइट डाया का माना जाता है। तो ये हाल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्राइवर क्या होता है, वॉर्म होता है, ड्रिवन होता है, जो वॉर्म व्हील होता है जो ड्रिवन को उसको घुमाया जाता है, यहाँ पे पावर यहाँ पे अटैच कर दिया, ये पावर को उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ये भी है जो ड्राइव से जो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे ही होता है, इसका दोनों का अलग अलग शाफ्ट पे ये मूव कर रहा होता है, तो ये भी हाल है। तो देखिए वेरियर वॉर्म और वॉर्म व्हील जो है क्यों फेमस है, फेमस फॉर हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो, इसके कारण सबसे ज़्यादा फेमस है कि इसमें बहुत हाई
रिडक्शन रेशियो होता है स्पीड का, अगर आपको बहुत कम से बहुत ज़्यादा स्पीड में कन्वर्ट करना है या बहुत ज़्यादा से या कम से बहुत ज़्यादा में, तो वो आप इसका यूज कीजिए, वॉम और वॉमविल का यूज कीजिए। देखिए रिडक्शन रेशियो तो दिखाया है कि भाई वॉम है वॉमविल है, तो 10 से आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, 30 से भी 1 में कन्वर्ट कर सकते हो सर। तो ये है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें से कौन है जो भाई जेई सर्विस एग्जाम की मैं बातें कर रहा हूँ, गेट ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता नहीं है, उसके वो न्यूमेरिकल नहीं पागल है। न्यूमेरिकल भी हम लोग गेट ट्रेंस वगैरह देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल्स वो पूछता है और उस पर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे भी, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो पूछ रहा है वो देखेंगे। तो ये क्यों फेमस है भाई बॉम और बॉम, तो ये हाई स्पीड रिडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी है, बस याद करना है आपको, याद ध्यान में रहना चाहिए आपको एग्जाम में, एग्जाम से में जाने से पहले एक बार तो अभी तो देख ही रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, और एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आपको ये सारा नोट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अब फिर बी टाइप में आ गया है, यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, इसके बेसिस पे भी गियर को बांटा गया है। तो शाफ्ट के का जो एक्सेस था, रोटेशन का एक्सेस था, उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे थे, अब है कि उसके टाइप ऑफ गियरिंग। तो भाई सबसे पहला एक्सटर्नल गियर और दूसरा इंटरनल गियर। एक्सटर्नल गियर में क्या होता है, एक्सटर्नली इसके जो टीथ होते हैं वो आपका पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। इसमें एक और मैंने मेंशन किया, एक और आपको नॉलेज देने की कोशिश की है कि जनरली जो बिगर जो गियर होता है उसको हम लोग गियर कहते हैं, और स्मॉलर जो होता है उसको हम पिनियन कहते हैं। गियर दोनों को गियर नाम नहीं देते हैं, जब घूम रहा होता है तो एक को पिनियन कहते हैं, छोटे वालों को पिनियन कहते हैं। इसमें पावर दिया जाता है और ये पिनियन ही पावर ट्रांसमिट करके बिगर को देता है। ऐसा क्यों कहते हैं छोटे वालों को, ये हम लोग क्यों, मतलब एक समझ लो कि एक ड्राइवर यही है और ये ड्रिवन है, ये बार बार गियर जो रहता है बिगर वाला जो रहता है ड्रिवन बनता है। ऐसा क्यों करते हैं कि हम छोटे वालों को ड्राइवर बनाते हैं, क्योंकि जनरली हमारा काम होता है कि पावर को हम बढ़ाएं, पावर एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज तभी मिलेगा, अगर बड़ा गियर है तब तो उसका वेलोसिटी यहाँ पर बड़ा ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग छोटा गियर लगा के हम लोगों ने ओमेगा तो उसको सेम दे दिया, और सेम ओमेगा आने के बाद भी क्या कर रहा है वो कि अब उसके पास है जो ओमेगा तो सेम है पर गियर चूंकि बड़ा है इसलिए उसका जो वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा, तो ओमेगा सेम रहते हुए भी आर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये सब तो हम लोग समझते रहेंगे, आगे पूरा गियर पढ़ा हुआ है काफ़ी कुछ समझने के लिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा गियर चैप्टर, पूरा गियर का जो कोर्स है वो इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो हम लोग तभी क्लासिफिकेशन देख ले आराम से पहले। तो भाई ये तो हम लोगों ने इंटरनल देखा, अब तो सोचेंगे कि भाई इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, तो जी हाँ होता है, इंटरनल गियरिंग भी होता है। देखो इसमें जो टीथ है वो इंटरनली अंदर क्यों कटा हुआ है, और अंदर एक गियर है जिसमें इंटरनल टीथ है तो वो उसमें लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे को घुमा रहा है। देखो इंटरनल गियर को, जो एक्सटर्नल गियर है उसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, अगर ऐसे दिखा दिया जाए तो आप लोग इसको गियर वन मानोगे, गियर टू मानोगे, और इसके बीच में आप टीथ मानोगे और वो चल रहा है, ऐसा आप लोग अज्यूम करोगे, और साफ पैरेलल ये भी आपको दिख रहा है। पर एक्सटर्नल गियरिंग को कैसे, सॉरी इंटरनल गियरिंग को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इंटरनल गियरिंग को ऐसे दिखाएंगे जो बड़ा वाला गियर है बाहर वाला वन गियर, उसको बाहर ऐसे दिखाएंगे, उसको थोड़ा सा घुमा के अंदर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा छोटा करके गियर को दिखाएंगे कि भाई, और इसका साफ्ट अगर इसी साफ्ट पे है तो इसी साफ्ट पे यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, अलग साफ्ट पे नच रहा है तो अलग साफ्ट, अगर एक ही साफ्ट पे क्यों नचेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, बेवकूफ़ थोड़ा ना, एक ही साफ्ट पे दो गियर क्यों नचाएंगे, तो फिर वो मतलब पावर ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, तो एक साफ्ट से हम लोग दूसरा साफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन करना है। लेकिन मतलब कभी कभी होता है कंपाउंड साफ्टिंग जो हम लोग गियर पढ़ेंगे उसमें होता है कि दो गियर एक ही पर नच रहा होता है, तो उससे हम लोग कहीं और पावर ट्रांसमिट करना होता है, तब हम लोग ऐसा करते हैं। पहले तो हम लोगों ने छोटा गियर लगा दिया उससे नचा लिया साफ्ट को, उसके बाद बड़ा गियर उसी साफ्ट पर लगा दिया, उसके पास आ गया, उसके बाद हम लोग करें दूसरा साफ्ट गियर लगा दिया, तो हम लोग आगे करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर नाम हो जाता है जो बिगर होता है उसके एनुलर कहा जाता है या रिंग कहा जाता है, जो बाहर वाला है बड़ा वाला, और जो स्मॉलर होता है उसको पिनियन कहा जाता है। यहाँ पर स्मॉलर को पिनियन ही कर रहे हैं, पर बिगर को यहाँ पर गियर नहीं एनुलर या रिंग कह रहे हैं, क्योंकि वो रिंग जैसा दिख रहा है इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं। अब नाम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नोट है कुछ एक उसको हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ मोर देन वन गियर आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट, अगर ऐसा रहे तब भी उसको एक नया गियर का नाम बन जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड गियर। तो जब भी ऐसा रहे एक ही शाफ्ट पे अगर दो गियर लगा रहे हैं तो वो दोनों गियर का सेम स्पीड रहेगा। स्पीड मतलब ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ भाई, एक ही साफ्ट पे लगा हुआ तो ये साफ्ट तो एक ही ओमेगा से घूमेगा ना,
वो स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो भाई एक ही गियर में ही अलग अलग पॉइंट का अलग अलग रहेगा, आर जैसे वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करने लगेगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं ओमेगा की बात कर रहा हूँ। स्पीड का मतलब यहाँ पर ओमेगा से ही है। तो एक ही शाफ्ट पे अगर एक से ज़्यादा गियर माउंटेड नो लगा हुआ हो तो उसको हम कंपाउंड गियरिंग कहते हैं, और वहाँ पे सेम स्पीड होता है। एक नोट करने की बात है, दूसरा नोट करने के बाद वाली बात है कि जनरली इन पावर ट्रांसमिशन द स्मॉलर बॉडीज आर मेड एज ड्रीवर ड्राइवर ड्राइवर्स बनाएंगे आपको, चलाने वाला कौन बनेगा? जो छोटा वाला होगा। अब छोटे पे वर्कलोड क्यों डाल रहे हो भाई? ये ऐसा क्यों करते हैं? ये छोटा का हम लोग क्यों ड्राइवर बनाते हैं भाई? ये देखिए क्या है हाल है हमारा, जो है जो पावर तो है, पावर तो हमारा के बराबर क्या होता है? टॉर्क इन टू ओमेगा। अब ये पावर जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, जितना हमको पावर ट्रांसमिट करना है वो कर रहा है भाई, उसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते। अब ये होता है टॉर्क इन टू ओमेगा, टी इन टू ओमेगा। तो ओमेगा जो होता है वो जो हाई फॉर स्मॉलर बॉडी, ओमेगा तो भाई स्मॉलर बॉडी का उतना ही हम लोग टॉर्क लगा क्या कर सकते हैं उसका, हम लोग ओमेगा को क्या कर सकते हैं स्मॉलर बॉडी के लिए ये ओमेगा को हम लोग बढ़ा सकते हैं उतना ही टॉर्क लगा कर। ये क्या लेस टॉर्क इज रिक्वायर्ड, अगर इसको हम लोग बढ़ा दें ये बहुत ज़्यादा है, और किसके लिए होगा ये स्मॉलर बॉडी के लिए, तो उसके लिए हमारे टॉर्क की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट टॉर्क का कम करें उतना ही ओमेगा लेने के लिए, क्योंकि पावर तो हमारा पावर फिक्स है, तो अगर ओमेगा स्मॉलर बॉडी का ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है टॉर्क कम रिक्वायर्ड पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसी को चाहते हैं कि भाई स्मॉलर बॉडी ही क्या बने, ड्राइवर्स बने, उसको ही हम लोग चलाने वाला उसी को बनाते हैं, उसी में हम लोग पावर देते हैं, और वो पावर को बिगर को ट्रांसमिट करता है, गियर को ट्रांसमिट करता है, तो इसी को पिनियन भी कहते हैं स्मॉलर को। इस लेसन में इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले मुझे फॉलो करें, ताकि आपको जो भी आगे के लेसन रहेंगे उसके आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप मुझे रिकमेंड करें, शेयर करें, मुझे रिव्यू दें, लाइक करें, और मुझे रिव्यू